हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी ब्रेकफास्ट की रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यूनिक है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। बड़े बच्चे सभी को बहुत पसंद आएगा। दाल और सब्जी जब बच्चे नहीं खाते ना, तो इस तरह से आप ये ब्रेकफास्ट बनाकर दे सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो चलिए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप मूंग की दाल, बिना छिलके वाली ली है, आप छिलके वाली भी ले सकते हैं। इसे अच्छे से धो लेंगे। धोकर 2 घंटे पानी में भिगो दिया था मैंने, तो अच्छे से ये फूल गई है। अब हमारा दाल जो है वो रेडी है, तो इसका पानी निकाल लेंगे और इसे यहाँ रखते हैं साइड में। अब लिया है मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के आलू और इसे अच्छे से पील कर लेंगे और इस तरह से चॉप कर लेंगे। आलू को आप रफली चॉप कर लें क्योंकि इसे हमें ग्राइंड ही करना है। तो यहाँ लिया है मिक्सर जार और उसमें पहले डालेंगे दाल। दाल यहाँ पे आप मूंग की दाल या चने की दाल भी यूज़ कर सकते हैं, छिलके वाले भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही डालेंगे यहाँ पे आलू जो हमने चॉप करके रखा है और इसके साथ डालेंगे अदरक, लहसुन और मिर्ची। मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 4 से 5 लहसुन की कलियाँ। इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम यहाँ पे ग्राइंड कर लेंगे। एकदम फाइन पेस्ट बनाना है और पेस्ट में बिल्कुल भी बनाने के टाइम आप बिल्कुल भी पानी ऐड ना करें। ये बहुत इजीली दाल जो है वो पिस जाता है, पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हमें जो इसका बैटर है वो थोड़ा गाढ़ा ही चाहिए, तो बिल्कुल भी पानी ऐड ना करें। सब्जियों में मैंने डाला है बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटे हुए कैबेज, कैप्सिकम, ग्रेटेड कैरेट और बारीक कटी हुई खूब ढेर सारी धनिया की पत्ती। एक छोटी सी हरी मिर्ची भी बारीक कट करके डाला है। हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून जीरा और गरम मसाला 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। साथ ही डाला है 1/4 कप के जितना दही और अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हल्दी जो डाला है उससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। इसमें ज़्यादा कुछ मसाले डालने की ज़रूरत नहीं होती है, बस इतने ही मसालों से बहुत ही लाजवाब बनकर रेडी हो जाता है। इसे थोड़ी देर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा इस तरह से 2 से 3 मिनट तक अच्छे से हम एक ही साइड डायरेक्शन में मिक्स करेंगे। तो बस ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। इसे ढक्कन रखकर 10 मिनट्स के लिए छोड़ देते हैं। 10 मिनट के बाद ये काफ़ी अच्छे से जो है फूल गई है, अच्छे से सेट हो गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें डालेंगे हम खाने वाला सोडा। आप चाहे तो यहाँ पर इनो भी डाल सकते हैं। मैंने 1/4 टीस्पून के जितना खाने वाला सोडा डाला है और सोडा डालने के बाद हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लिया है। तो ये अच्छे से जो है ना बहुत ही फूले फूले हमारे जो नाश्ता है वो बनेगा। तो बस अच्छे से ये मिक्स हो गया है। अब चलते हैं इसे बनाने के प्रोसेस में। तो मैं इसे बनाने वाली हूँ आज इसे अप्पे पैन में। तो यहाँ लिया है मैंने अप्पे पैन, उसमें अच्छे से ऑयल ग्रीस कर लिया है और उसे अच्छे से गर्म कर देंगे। तो अप्पे पैन इतना गर्म होना चाहिए कि आप उसे टच ना कर सको। जब उसे टच करके देखेंगे तो काफ़ी हीट हो गया है। अब इसमें जो है बैटर इस तरह से हम डाल देंगे तो काफ़ी अच्छे से बनकर रेडी होते हैं। और अगर आपके पास अप्पे पैन ना हो तो आप नॉर्मल पैन में भी इसे एज ए चीला के जैसे बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है। सारे पैन में मैंने डाल दिया है। अब इसे ढककर 5 मिनट पकने देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। और ये देखिए 5 मिनट में काफ़ी अच्छे से पक गया है। यहाँ ध्यान रहे हाई फ्लेम ना रखे। और अच्छे से अब इस पर ऑयल लगाएंगे, ब्रश के हेल्प से थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा देंगे तो दूसरे साइड से भी ये काफ़ी अच्छे से पक जाएगा और अच्छा सा कलर आ जाएगा। ये देखिए मैं आपको पलट कर दिखा रही हूँ कितना अच्छा कलर आया हुआ है, बहुत ही परफेक्ट बना हुआ है। खाने में भी बहुत ही लाजवाब होता है, चाय के साथ, चटनी के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से विदाउट ऑयल आप ना पकौड़ा बनाकर खा सकते हैं, तो बहुत ही टेस्टी बनता है ये। तो इस तरह से मैंने सारे जो अप्पे बनाए थे ना वो अच्छे से मैंने इस तरह से पलट दिए हैं, बहुत ही अच्छे सा कलर आ गया है और बहुत फटाफट से भी बनकर ये रेडी हो जाता है। अब दूसरे साइड भी ढककर यहाँ पे थोड़ी देर रख देंगे और उसके बाद ये देखिए हमारा जो अप्पे है वो बनकर रेडी है। दोनों तरफ से काफ़ी अच्छे से सिक गया है और बनकर ये हमारे अप्पे रेडी है। तो ये बहुत ही कम ऑयल में बना हुआ ब्रेकफास्ट है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बनता है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने बन गया है, तो निकाल लिया है इस तरह से प्लेट में और बहुत इजीली ये निकल जाता है और बन जाता है, बिल्कुल भी पैन में चिपकता भी नहीं है। इसी तरह से दूसरा बैच भी मैंने यहाँ पे बना लिया है और बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाता है। सेम प्रोसेस से हम इसे बनाएंगे। पहले ढककर इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकने देंगे और 5 मिनट के बाद फिर से इसे चेंज करेंगे और उसके बाद इसे ऑयल लगाकर दूसरा साइड पलट देंगे। काफ़ी अच्छे से फूल जाता है और बहुत ही स्पॉन्जी और फूला फूला बनकर रेडी होता है और खाने में बहुत ही लाजवाब होता है। चाय के साथ, चटनी के साथ आप इसे सर्व करें,
बहुत ही लाजवाब बनता है। तो इस तरह से दोनों साइड से ये पककर रेडी हो गया है, तो बस अभी से भी हम प्लेट पे निकाल लेंगे। तो हमारे जो अप्पे हैं वो बनकर रेडी हैं, और इसके ऊपर थोड़ा सा गार्निश कर देंगे हम धनिया के पत्ते से, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगेगा। खाने में तो लाजवाब है ही, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। कम ऑयल में बना हुआ ये नाश्ता आपको कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपके पास ये अप्पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन गए, जैसा कि मेरे पास बन गया था, बहुत ज़्यादा बच गया था, तो आप इसे ना बीच से कट करें, आप चाहे तो कढ़ी बनाकर उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ना सब्जी बनाई थी, जैसे नॉर्मल सब्जी बनाते हैं मसाले की ग्रेवी वाली सब्जी बनाकर, और बस ये जो अप्पे हैं इन्हें कट करके डाल दिया था, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी। तो आप इस तरह से इसकी सब्जी भी बना सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनती है, बहुत ही कम तेल में ये तला हुआ है। ये हेल्दी सा नाश्ता आपके बहुत काम आ सकता है, आप इसकी सब्जी भी बना सकते हैं, कढ़ी भी बना सकते हैं। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड और अपने फैमिली के साथ शेयर भी करें। और मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।